नमस्ते दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही यूनिक हर्बल टी की बात करने वाले हैं, जो है झंडू का अश्वगंधा आंवला हर्बल इन्फ्यूजन। यह हर्बल इन्फ्यूजन स्ट्रेस और टेंशन को जल्दी दूर करने में हेल्प करता है। इस हर्बल चाय की एक खासियत यह है कि यह 100 से अधिक वर्षों की आयुर्वेदिक विरासत वाले ब्रांड झंडू द्वारा आपके लिए लाया गया है। झंडू एक ऐसा ब्रांड है जो 5000 से अधिक वर्षों के आयुर्वेदिक ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ के प्रोडक्ट्स बनाती है, ताकि आपको सुविधाजनक रूप में स्वास्थ्य का लाभ प्रदान हो सके। तो आज के इस वीडियो में हम इस खास हर्बल टी की जरा विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि इसमें अश्वगंधा और आंवला के अलावा और कौन से पावरफुल हर्ब शामिल हैं, और ये हर्बल टी किसे लेनी चाहिए, और जानेंगे इसकी खासियतें। तो पूरी और सही जानकारी के लिए आप बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। दोस्तों, झंडू हर्बल टी एक बहुत ही सूझबूझ के साथ बनाया गया एक ऐसा फार्मूला है जो ना सिर्फ आपके रोजमर्रा के हेल्थ इश्यूज को दूर रखने में हेल्प करता है, बल्कि आगे चलकर होने वाली शारीरिक समस्याओं को दूर रखने में भी हेल्प करता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे लेना काफ़ी आसान है, और हाँ, ये पीने में भी काफ़ी टेस्टी है। बहुत लोगों को आयुर्वेद हर्ब्स का टेस्ट पसंद नहीं आता, जो बात इस हर्बल चाय के साथ नहीं है। ये लेने में काफी टेस्टी और रिफ्रेशिंग है। तो दोस्तों, अब आते हैं इस अश्वगंधा आंवला हर्बल इन्फ्यूजन के इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जो इस हर्बल चाय को इतना पावरफुल और रिफ्रेशिंग बनाती है। तो जैसे कि इसका ये नाम है, इसके दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं अश्वगंधा और आंवला, लेकिन साथ में ही इसमें मंडूकपर्णी, यष्टिमधु, तुलसी और जायफल भी शामिल है। अब बात करते हैं एक एक करके इन पावरफुल हर्ब्स की। दोस्तों, अश्वगंधा एक ऐसा प्लांट है जो स्मार्टली यूज किया जाए तो लगभग सभी हेल्थ इश्यूज में बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। इसका सबसे ज्यादा प्रयोग जो है वो शरीर का स्टैमिना और मेंटल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। साथ में ये मसल्स वीकनेस के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी के लिए भी एक प्रभावी हर्ब है। जैसे कि आप जानते हैं, अश्वगंधा एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेस रिलीवर है। आंवला विटामिन सी का सर्वोत्तम सोर्स होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जो मेंटल स्ट्रेस की अवस्था में काफी अच्छा काम करता है। आंवला भूख को बढ़ाने में और शरीर को तरोताजा बनाने में बहुत ही उपयुक्त है। मंडूकपर्णी एक मेद्य वनस्पति है, जो मेंटल फटीग और तनाव यानी स्ट्रेस की अवस्था में बहुत ही अच्छी काम करती है। ये ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन को भी इम्प्रूव करती है और मन की शांति के लिए काफी लाभदायक है। यष्टिमधु, जिसे मूलेटी के नाम से भी जाना जाता है, एक जीवनीय गण की वनस्पति है। यष्टिमधु शरीर के पोषण में बहुत ही लाभदायी है। खांसी के लिए और गला बैठने की समस्या के लिए मूलेटी सदियों से लिया जाने वाला हर्ब है। यह शरीर को फ्री रेडिकल से भी बचाती है। दोस्तों, तुलसी अपने आसपास आसानी से पाया जाने वाला एक बहुउपयोगी औषधि पौधा है, जिसके अनेक उपयोग आपको पता होंगे। इस हर्बल चाय में इसका उपयोग अच्छे टेस्ट और फ्रेग्रेंस के अलावा एक प्रमुख काम के लिए किया गया है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि तुलसी एक नॉन एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल वनस्पति है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शियस डिजीजेस में बहुत ही कारगर है। ये सर्दी, खांसी और बुखार की प्राथमिक अवस्था में बहुत अच्छा काम करती है, और ये हर्बल टी भी गले के इन्फेक्शन में लिया जा सकता है। जायफल एक सुगंधी फल है, जो इस हर्बल टी को अच्छी टेस्ट देता है और अच्छा स्मेल भी देता है। जायफल निद्राकर होने के कारण अच्छी नींद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जायफल एक बहुत ही अच्छा पाचक है, यानी ये पाचन को सुधारने में भी काफ़ी अच्छा काम करता है। जायफल भूख को बढ़ाता है। इस हर्बल टी को लेने से पाचन में भी अच्छा सुधार देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस हर्बल चाय के खासियतों के बारे में। तो दोस्तों, इस पैक में शुगर या सॉल्ट एडेड नहीं है, और ये शुद्ध शाकाहारी है, और इसमें किसी भी तरह के कोई एडेड प्रिजर्वेटिव और फ्लेवर्स नहीं मिलाए हुए हैं। ये हर्बल चाय जीरो बिटरनेस, यानी ये बिल्कुल ही कड़वा नहीं है। कड़वाहट एक ऐसा कारण होता है कि लोग हर्बल चाय लेने से दूर भागते हैं। इसका पैक ट्रैवल फ्री होने के कारण आप इन्हें कहीं भी ले जा सकते हैं, और कहीं भी और जब चाहे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है इस हर्बल चाय को कैसे लेना होता है।
तो ये काफ़ी आसान प्रोसेस है। इसके लिए आपको 100 ml बॉइलिंग वाटर में एक इन्फ्यूजन बैग डालना है और 2 से 3 मिनट तक इसे इन्फ्यूज होने देना है। इसमें दूध या शहद या और कुछ मिलाने की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसे कौन कौन ले सकता है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही यूनिक और सेफ फॉर्मेशन होने की वजह से इसे हर कोई ले सकता है। तो दोस्तों फटीग यानी थकान की समस्या जो जनरली बेवजह या थोड़े से काम के बाद आती है, किसी भी काम में जिनका मन नहीं लगता, फिर वो पढ़ाई हो या खेल हो, ऐसे अवस्था में इसका सेवन लाभदायी होता है। जिन लोगों को बार बार श्वसन संस्थान यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है, यानी कि गले में खराश होना, गले में कफ का जमा हो जाना, ऐसे प्रॉब्लम में भी ये हर्बल टी बहुत अच्छा काम करता है। ठीक से नींद न आने की समस्या या फिर बदन दर्द होना, ऐसी अवस्था में भी ये टी बहुत अच्छा काम कर सकती है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में भी इस हर्बल टी का अच्छा रोल होता है, जो डाइजेशन के साथ साथ एब्सॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। तो दोस्तों झंडू के आयुर्वेदिक हर्बल इन्फ्यूजन्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप झंडूकेयर.com पर विजिट करें, जहां पर आपको झंडू के वाइड रेंज ऑफ आयुर्वेदिक और वेलनेस प्रोडक्ट भी मिलेंगे। आप यहां से अश्वगंधा आवरा हर्बल टी ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए ज़रूर फायदेमंद रही होगी। आपके इससे जुड़े सवाल हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम बहुत ही जल्दी एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से लौटेंगे। तब तक ले टेक केयर, स्टे हेल्दी।